शाकाहारी होते हुए भी पूजा पाठ और व्रत में क्यों होती है लहसुन प्याज की मनाही, जानिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू शास्त्रों में पूजा पाठ और व्रत आदि के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, तभी व्यक्ति को इसका पूर्ण लाभ मिल सकता है। इस दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हालांकि आपके मन में यह विचार उठता होगा कि शाकाहार में शामिल होने के बाद भी धार्मिक अनुष्ठानों में लहसुन प्याज खाने की मनाही क्यों होती है, ऐसे में इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। आइए जानते हैं वह कथा। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं में अमृत बांटने का निर्णय लिया। इस बीच छल से एक राक्षस देवताओं के रूप में देवताओं के बीच आकर बैठ गया और उसने धोखे से अमृत का पान कर लिया। उस राक्षस को सूर्य और चंद्र देव ने पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु से अपने चक्र के प्रहार से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वह राक्षस अमृत की खुशबू को पी चुका था, जो उस समय उसके मुख में ही रह गई थी। राक्षस का सिर कटने से रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और उस स्थान पर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक कार्य या व्रत आदि में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।